इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। जी हां, सुबह से ये खबर खूब वायरल हो रही है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की कल देर शाम मौत हो चुकी है। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि अभी उनके भैया और भाभी ने जो है वो पुष्टि की है कि उनकी मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन अभी जब तक डेड बॉडी उनकी हिसार नहीं पहुंच जाती तो बहुत सारी बातें हैं जिनके अभी सामने आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट कह सकते हैं हुस्न की मलिका, नेता, अभिनेता, काफी चर्चाओं में वो रही हैं। आदमपुर से 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में रही हैं। बीजेपी का जैसे ही उन्हें टिकट मिला उसके बाद से वो काफी सुर्खियों में रही, क्योंकि सोनाली फोगाट जो है वो एक टिकटॉक स्टार भी थी, कई म्यूजिक एल्बम्स में काम कर चुकी हैं। सोनाली फोगाट के कुछ टिकटॉक ऐसे वायरल हुए थे कि उन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद से काफी कंट्रोवर्सीज में सोनाली फोगाट रही हैं। सोनाली फोगाट एक और कांड के लिए काफी ज्यादा चर्चित है। जब वो दौरा कर रही थी एक अनाज मंडी का, तो तब एक कर्मचारी ने उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने चप्पलों से उनकी पिटाई की थी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट सिर्फ 42 साल की थी और जब वो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ी थी तो इस बार उपचुनाव का कुलदीप बिश्नोई ने जैसे ही इस्तीफा दिया है, इस बार भी उन्होंने हुंकार भरी थी कि आदमपुर से वो चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद से कुलदीप बिश्नोई लगातार उनके संपर्क में थे। कुछ दिन पहले भी कुलदीप बिश्नोई उनके घर पर आए थे और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। सोनाली फोगाट ये साफ कर चुकी थी कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। सोनाली फोगाट की मौत से पूरे समाज में शोक की लहर है और काफी ज्यादा लोग इस बात से अचंभित हैं कि एकाएक सोनाली फोगाट की मौत कैसे हो जाती है। सुबह से ये खबरें काफी वायरल हैं। सोनाली फोगाट की सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम है यशोधरा। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके पति की मौत की वजह से भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि उनकी पति की मौत के बाद जैसे ही वो म्यूजिक एल्बम्स और अपनी टिकटॉक की रील्स बनाती थी, जिसके बाद लोग उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते थे, काफी आलोचना करते थे कि इनके पति की मौत हो चुकी है और ये किस तरह की रील्स बनाती हैं, किस तरह की वीडियोस ये जारी करती हैं। लेकिन अभिनय करना सोनाली फोगाट का शौक था। सोनाली फोगाट अभिनय करती थी, जिसके बाद लगातार वो लोगों की सुर्खियों में रहती थी। लेकिन राजनीति में वो जब से आई थी तो राजनीति में भी काफी सुर्खियों में रही हैं और अब सोनाली फोगाट की मौत से हर जगह शोक की लहर दौड़ गई है। जितने उनके आलोचक हैं उतने ही ज्यादा उनके प्रशंसक भी हैं। सबसे बड़ा एक सवाल ये भी आता है, सोनाली फोगाट ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को भी काफी बुरा भला कहा था, जिसके बाद किसान भी काफी उन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन अब सोनाली फोगाट की मौत से पूरे हरियाणा में शोक की लहर है। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए केएनआई मीडिया।